बट ऐसा लग रहा है मैं गाड़ी लेने आया हूँ, यहाँ पर देने नहीं आया। ये किसने मारी है गाड़ी? ये कोई बताओ यार, नई गाड़ी पे वाले हैं, वहीं भी गली मोहल्ले में होगा तो मारा। बाकी अभी ये 10 से 12 दिन कह रहे हैं गाड़ी रखने के लिए। यार अपनी धुनो ना अपने से 10 से 12 दिन दूर होने वाली है। ये तो मेरे से भी ज्यादा हिट हो रखी है, इसका बैक ग्लास भी टूट गया। बाकी इसकी स्टेपनी निकल नहीं रही है, तो ये सारी चीजें चेक किया करो तब जाके गाड़ी क्लेम पे दिया करो। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली मैं अभी घर से निकल चुका हूँ, मारुति के सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। जो हमारी गाड़ी डैमेज हुई थी, हम दिल्ली टू लेह लद्दाख जब गए थे तो भाई करनाल रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, हमारी पूरी सीरीज है भाई दिल्ली टू लेह लद्दाख की, तो भाई जाके देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी डैमेज कैसे हुआ था। जो होना था सो हो गया भाई, अब इसको ठीक कराने की बारी है। मैं आपको पहले डैमेज दिखा देता हूँ कितना है। पीछे से देख लो भाई, ये इसका सेंसर है, ये देखो ये इसमें से निकल चुका है। मैंने भाई तार डाल के इसको निकाला था जिससे काम करना स्टार्ट कर दे। और भाई ये देख लो, पूरा का पूरा बम्पर भी फट चुका है पीछे का। ये देखो भाई, ठीक है डिग्गी खुल नहीं रही है, वो आपने देख लिया होगा प्रीवियस वीडियो में। बैक लाइट टूट चुकी है, ये बम्पर देख लो आप, और क्वार्टर पैनल देख लो भाई, क्वार्टर पैनल में भी गैप आ चुका है। ये देखो दूर से देखो आप, ये अंदर है ये बाहर है, तो ये बाहर की तरफ हो गया क्वार्टर पैनल। ये भी बैक लाइट चेंज होनी है, ये भी टूट चुकी है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हटाते हैं इसका, फिर आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो भाई ये इसकी स्टेपनी है, स्टेपनी की वजह से भाई वो रुका है, ये लगा लो आप, नहीं तो बहुत बड़ा डैमेज होता। स्टेपनी की वजह से रुक गया, और बाकी ये देखो सब निकला पड़ा है भाई, ताम जाम। उधर देखो भाई आप, वो भी मुड़ गई भाई पूरी की पूरी। सब चीजों की हालत जो है ना पूरी की पूरी खराब है। ये तक नहीं लग रहा है भाई, इसका जैक का जो ढक्कन है ना, ये देखो आप, मैं इसे लगाता हूँ, ये देखो भाई ये भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इतना बुरा इम्पैक्ट है, स्टेपनी भी नहीं निकल रही है, जो बोल्ट है ये भी टेढ़ा हो चुका है, जो सेंटर में बोल्ट है। और बाकी गाइस साथ साथ एक चीज और दिखा देता हूँ भाई, ये आगे की हेडलाइट भी टूट चुकी है। ये समझ में नहीं आ रहा यार कैसे टूटी, मेरे को भी नहीं पता, या तो कोई इसमें पत्थर लगा या तो कुछ तो लगाया ऐसा, जिसकी वजह से भाई ये भी चेंज होगी अब इसकी हेडलाइट। गाइस फाइनली आई होप आपने देख लिया होगा सारा का सारा इम्पैक्ट, जो भी था वो मैंने आपको दिखा दिया, जितना भी डैमेज है भाई। इसकी स्टेपनी भी नहीं निकल रही, पता नहीं क्यों वो खुल ही नहीं रहा बीच का, वो समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि यार स्टेपनी भी घर पे रख लेता हूँ। मारुति वालों के बारे में आपको पता ही है कितने ज्यादा यार ये होते हैं, मतलब लापरवाह इंसान होते हैं यार, इनपे ना भरोसा नहीं होता। खैर कोई नहीं, अब यहाँ से चलते हैं सीधा मारुति के सर्विस सेंटर। और एक चीज और बता दूं भाई, अपनी गाड़ी जो है 1 साल पुरानी है, देखेंगे कि क्लेम में हमें कुछ पैसा तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे जहां तक ही लगता है भाई जीरो डेप है, 1 रुपए भी हमें देने ना पड़े। जीरो डेप में तो वही है कि 1000 रुपए फाइल चार्ज लगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगता। बाकी जो भी होगा वो आपको भाई आगे पता चली जाएगा, सर्विस सेंटर में जाके बात करता हूँ। कितने दिन लगेंगे इसको ठीक होने में और क्या क्वालिटी आएगी, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर इन्होंने परमिशन दी डे टू डे गाड़ी ठीक होने की वीडियो बनाने की, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी तो भाई यही है कि अपना इसको ठीक करके देते हैं जल्द से जल्द यार, क्योंकि अपनी गाड़ी के काम बहुत ज्यादा होते हैं। बट अब क्या करें यार, अपना 1 हफ्ता 10 दिन तो भूल जाओ। मेरा मन था इसे बाहर से ही करा लूं, बट अब क्या करूं भाई, बहुत ज्यादा डैमेज है। डिग्गी भी चेंज होएगी, बम्पर भी चेंज होएगा भाई, पीछे का आपने चेसी भी देख ली होगी, वो भी बैंड हो चुकी है। तो अभी फिलहाल इसको देते हैं, वहां देखते हैं बात करके क्या बोलते हैं, सीधा चलते हैं मारुति के सर्विस सेंटर। एक चीज और मैं आपको बता दूं यार, पीछे से बूट में से ना मतलब बहुत गंदी आवाज आ रही है यार, हल्के से भी अगर पोर्टहोल से गाड़ी निकलती है ना तो कचर कचर करके आवाज आती है भाई, क्या करूं भाई, सीरियसली बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और गैप भी आ गया है कि एसी की जो कूलिंग है ना वो भी बाहर जा रही है, तो इसको ठीक कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है भाई। अब तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम टीआर सानी के सर्विस सेंटर। ये भाई नेक्सा वालों ने ही ले रखा है, टीआर सानी वालों का भी, और बाकी जो है आगे जो है राणा मोटर्स का है। भाई साहब लाइन लगी पड़ी है भाई, अभी मतलब ये लगा लो आप लेह लद्दाख जाने से पहले मैंने यहीं से ही गाड़ी सर्विस कराई थी अपना राणा मोटर्स से, बट आज मैं टीआर सानी से इसको ठीक कराऊंगा। आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्यों आए हो आप, नेक्सा वाले तो नेक्सा की गाड़ी करेंगे, ऐसा नहीं। देखो आगे बेलिनो खड़ी है नेक्सा की, तो भाई ये देखो वैगन आर भी खड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर दोनों गाड़ियां होती है, जैसे कि अगर नेक्सा की हो गई, नहीं तो फिर मारुति की तो है ही भाई, जैसे स्विफ्ट ब्रीजा इस टाइप की गाड़ियां जो होती है ये भी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अपना सर्विस से बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी बैठे हुए थे यहाँ पे, तो आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये देखो टीआर सानी मोटर प्राइवेट लिमिटेड, ये फ्री कूपन क्लेम के लिए है। तो भाई हमें ना 1000 रुपए फाइल चार्ज भी नहीं देना है, ये अप्रूव्ड है, इनसे मैंने पूछ लिया जब इंश्योरेंस कराई थी, तो मैंने ले लिया था, मेरे पास फ्री वॉशिंग के और अपना फाइल चार्ज हो गया, इसके भी दो दो कूपन पड़े हुए, तो भाई बहुत बढ़िया हो गया। अब देखते हैं भाई क्या है, बट ये 8% के बारे में कुछ कह रहे हैं कि मेटल का कुछ कटता है,
तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ भी पहले यहाँ से फ्री होके। तो गाइस ये देखना भाई कितने सारे आईडी लिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और भाई अपना पैन कार्ड हो गया, बाकी आधार कार्ड है भाई, मैं वॉलेट ही लेके चला था। जैसे कि कोई भी आईडी की ज़रूरत पड़ जाए भाई वो देनी पड़ेगी, बट ऐसा लग रहा है मैं गाड़ी लेने आया हूँ यहाँ पर, देने नहीं आया। बाकी अभी ये 10 से 12 दिन कह रहे हैं गाड़ी रखने के लिए, यार अपनी धुनो ना अपने से 10 से 12 दिन दूर होने वाली है यार, सच में भाई समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे साइन करना है सर, 22,526 किलोमीटर चली हुई है पूरी, ठीक है उठाऊँ। और ये इसकी स्टपनी भी नहीं निकल रही है सर, ये पूरी लॉक हो चुकी है। जैक कहाँ है इसका? जैक वो रखा हुआ, वो जैक भी निकालूंगा मैं अभी, सारे पाने वाने जो भी हैं वो सारे निकाल लूंगा। ये जैक कल ये भी लॉक नहीं हो रहा, यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो भाई, मैंने इसमें से जैक भी निकाल लिया, जैक अपना ये रहा, पाना ये रहा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ये रहे, फर्स्ट एड ये रहा, और बाकी थोड़ा बहुत सामान और बच रहा है। तो भाई आपसे भी बोलूंगा जब भी आप गाड़ी क्लेम पे दो ना, ये सारी चीजें निकाल लो, बाकी इसकी स्टपनी निकल नहीं रही है, बाकी इसकी वीडियो बना लूँगा जो भी अपना टायर जेन्युइन है या नहीं है, कहीं चेंज करके ना दे दें। तो बस यही है भाई, तो ये सारी चीज़ें चेक किया करो तब जाके गाड़ी क्लेम पे दिया करो। तो गाइस फाइनली अब हमें रिसीविंग मिल चुकी है, व्हीकल पिकअप जॉब स्लिप है भाई ये, ठीक है 10 से 12 दिन का टाइम बोल रहे हैं, 12 तारीख आज है, मैंने आज गाड़ी दी है स्विफ्ट भाई अपनी गाड़ी का नंबर, तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं इसके अंदर। तो बाकी फिलहाल भाई चाय पी रहे हैं यहाँ पर नेक्सा के TR सानी के सर्विस सेंटर की, अब देखते हैं भाई, चाय तो अच्छी नहीं है बट काम अच्छा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। अभी फिलहाल पापा को फ़ोन करता हूँ, वो गाड़ी लेके आएंगे फिर यहाँ से निकलते हैं भाई। तो गाइस ये रहा हमारी गाड़ी का सामान, पापा भी आ गए हैं, ये खड़ी भाई अपनी दूसरी गाड़ी, यही है ना आपकी 325? हाँ जी 3251 है, खड़ी करवा ली इन्होंने। ये सर अंदर तो चली जाएगी थोड़ी देर बाद? बिल्कुल जाएगी सर। क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या पूछा इनसे? सारी चीजें बता दी इन्होंने, 10 से 12 दिन बोल रहे हैं। हाँ तो 10 से 12 दिन मतलब हमें ये कैशलेस में कर रहे हैं? कैशलेस में ही हो रही है गाड़ी। ये किसने मारी है गाड़ी? ये कोई बताओ यार, नई गाड़ी वाले हैं, वहीं से गली मोहल्ले में होगा तो मारा तो ये देखना कोई चीज ऐसे करके गाड़ी है, यहाँ गाड़ी का निशान नहीं है। नहीं गाड़ी कैसे मारेंगे? ओल्ड सामान मिल जाएगा हमें? ओल्ड सामान आप दोगे? ओल्ड सामान इंश्योरेंस कंपनी की होती है सर, करते मिलेगा नहीं भाई। ये देखो मेरी तरह ही लगी हुई है गाड़ी भी, ये वैगनआर लगी हुई है भाई, पिछला टायर देखो आप कहाँ चला गया इसका भाई साहब, ये तो मेरे से भी ज्यादा हिट हो रखी है, इसका बैक ग्लास भी टूट गया। तो भाई इन गाड़ियों को देख के थोड़ा दिल को तसल्ली हो जाती है कि मैं ही नहीं हूँ भाई, बहुत है जिनकी गाड़ी पीछे से हिट होती है। स्टपनी कब मिलेगी? स्टपनी तो उसी के अंदर है, वो निकल नहीं रही है। हाँ इसमें हमारा जैक पाना ये सारी चीजें ले ली है मैंने, चलो तू घर तू ही चला ले। भाई देखो वो खड़ी अपनी गाड़ी भाई साहब, मतलब इतनी गंदी हो रही है ना, बस पूछो मत आप, टायर की हालत देखो और आगे बम्पर की, भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको। मैंने वॉशिंग भी नहीं कराई, मैंने यही सोचा था कि भाई अपनी गाड़ी यहाँ पर लाके एक ही बार में क्लेम लूंगा, क्लेम लेने के बाद फिर जाके भाई यहीं पे साफ वाफ होके आएगी। तो गाइस गाड़ी अब दे दी है हमने यहाँ से, अब निकल रहे हैं 10-12 दिन के लिए, इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। पापा 10-12 दिन के लिए गई गाड़ी अब हमारे हाथ से, जल्दी करवाना ना। मैंने बोला इनसे जल्दी, बट मेरे को उनका ना कुछ रवैया ठीक नहीं लगा, सच कह रहा हूँ। 10-12 दिन का काम था ही नहीं, लेकिन वो बस ये है डीओ वो देगा ना सर्वे, एक दो उसमें टाइम लगेगा। हाँ जब तक इन्हें डीओ नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी नहीं देंगे। आज कह रहा सर्वे जाएगी कल? भाई पहले बोल रहा था कि कल होगी, सैटरडे को आते नहीं है, फिर कह रहा संडे के बाद मंडे को होगी, अब कह रहा है आपके सामने की आज ही हो जाएगी, समझ में नहीं हो रहा। तो सर्वे तो मजा आ गया, सुबह का आया तू यहाँ? मैं अभी तो आया हूँ थोड़ी देर पहले। एस्टीमेट क्या दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। तो एस्टीमेट बनाएंगे तभी तो सर्वे आएगा, अभी कैसे हो जाएगी? अभी पता नहीं क्या है, क्या हिसाब किताब है। क्वार्टर पैनल भी मैंने नहीं दिखा दिया, वो भी डैमेज है हेडलाइट के बारे में, बट ये कह रहा है कि हेडलाइट के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। तो गाइस फाइनली बहुत दिन बाद भाई आज हम अल्टो चला रहे हैं, अब इतने टाइम से हम स्विफ्ट चला रहे थे, इसको चलाने में यार मजा नहीं आता, इसका एसी भी काम नहीं करता, पता नहीं क्या है यार, इसमें भी इतना पैसा लगता रहता है बट ये फिर भी काम नहीं करता इसका एसी। अपनी सारी गाड़ियों पे नजर लगती जा रही है, आगे आपने देखा बोनट में कितने डेंट मार रखे हैं, पता नहीं खड़ी खड़ी गाड़ी में भी यार डेंट मार देते हैं बंदे। तो मैंने आपको बताया था ना कि 8% के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास वाउचर भी था तो वो हमारा काम कर रहा है, 1,000 रुपए में देने की जरूरत नहीं है फाइल चार्ज, मतलब हमारी 0 रुपए में हमारी गाड़ी ठीक हो रही है। बट उसके साथ साथ ना एक प्रॉब्लम और आई है, प्रॉब्लम ये आई है कि जो हम गाड़ी ठीक करा रहे हैं उसमें क्या है कि डिग्गी जो चेंज हो रही है उसका 8% देना पड़ेगा, उन्होंने यही बोला। जो मतलब एक लोहे की आइटम जो होती है ना उसको अगर आप चेंज कराते हो तो उसका 8% देना पड़ता है, वो इंश्योरेंस कंपनी लेती है, तो उसका कुछ आपका जाएगा 300-400 या 500 रुपए। मैंने कहा कोई नहीं, इतने तो मैं भी कसम खा के नहीं बैठा कि 1 रुपए भी नहीं दूंगा, 300-400-500 लास्ट 1,000 रुपए तक का भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है।
वो तो आपको बाद में पता चलेगा भाई, जब गाड़ी हमारी ठीक हो जाएगी फर्स्ट क्लास होके। बाकी बाबा मन नहीं कर रहा, पता है इनका बात करने का तरीका आपने देखा, मतलब सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो भाई जब ये बात ही ठीक से नहीं कर रहे, यहाँ का काम तो आप भूल ही जाओ भाई, कैसे करके देंगे, कुछ सुनने को इराजे नहीं है। खैर कोई नहीं, अब करानी है, देखेंगे इस गाड़ी को रखेंगे या नहीं रखेंगे। बाकी फिलहाल तो भाई गाड़ी दे दी है हमने, अब देखते हैं भाई, डेली की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा अगर ये वीडियो बनाने देंगे तो, कितना काम हुआ कितना रह गया है वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा भाई। तो बस गाइस यही था इस वीडियो के अंदर, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी भाई क्लेम लेते हैं उनको नहीं पता होता तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, क्योंकि उनके भी मन में चलता रहता है कि क्लेम लेने का प्रोसेस क्या होता है। तो बस यही था, पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।